दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को एडेलवेस का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये एक डीमेट अकाउंट है जो अगर आप सभी लोग बनाते हो तो आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे साइनअप पे 450 रुपीज़ मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आप सभी लोगों को यहाँ पर 500 रुपीज़ मिलने वाले हैं पर रेफ़र, वो भी यहाँ पर विदाउट एनी ट्रेड। ठीक है, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है दोस्तों जल्दी से जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जल्दी से जल्दी अकाउंट बनाओ एडेलवेस में और ढेर सारा अर्निंग करो। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि अब हर मंडे न्यूज़लेटर आएगा, तो देखिए ये तो उन्होंने अभी बोल दिया, लेकिन कई बार होता है कि बोलते भी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे न्यूज़लेटर नहीं आता है, तो ये रियल है, रियल बात है। बाकी उन्होंने कहा है कि हर मंडे न्यूज़लेटर आएगा तो वेट करेंगे। एक तो ये उन्होंने बताया अपनी मीटिंग में, दूसरा ये बताया उन्होंने कि कुछ प्रोडक्ट को लेकर भी शुरुआत की जाएगी, जैसा कि न्यूज़लेटर में बताया गया कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉन्च किए जाएंगे जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, जिनसे कि आप हेल्थ से रिलेटेड समझ सकते हैं न्यूट्रिशन टाइप के कुछ अगर प्रोडक्ट होंगे तो उनसे भी यहाँ पर जो है पैकेज के माध्यम से सेल किए जाएंगे प्रोडक्ट, या उस पर भी जो है कमीशन वगैरह का प्रावधान रखा जाएगा, जो भी ये सब आने वाली न्यूज़लेटर में और पता चलेगा। उसके बाद इन्होंने जो कहा है कि ईहा के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि ईहा जो है अपना काम कर रहा है और ईहा आने वाले कुछ दिनों में अपनी नई वेबसाइट और शायद नए नाम के साथ आ सकता है, ये इस तरीके का है। ईहा से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं और जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में नए नाम से और नई वेबसाइट के साथ, नए लुक के साथ ईहा आपके सामने आने वाला है। और बाकी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि न्यूज़लेटर में दी हुई थी, जैसे कि उन्होंने विड्रॉल का प्रोसेस बताया कि विड्रॉल अभी UAGT में आप लोग विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन बैंक का, बैंकिंग का और आपका डेबिट कार्ड का जो है अभी उस पर वर्किंग चल रही है, अभी उस पर काम चल रहा है। फ्यूचर शेयर के लिए उन्होंने कहा है कि फ्यूचर शेयर 1 यानी FS जो पुराने फ्यूचर शेयर हैं वही रियल आपके फ्यूचर शेयर में कन्वर्ट किए जाएंगे, यानी जब वो लिस्टिंग होगी तो वही शेयर यानी फ्यूचर शेयर 1 का जो है जब लिस्टिंग होगी तो फ्यूचर शेयर 1 ही रियल शेयर में कन्वर्ट होंगे। FS2 यानी फ्यूचर शेयर 2 वाला जो शेयर है वो जो है बोनस के रूप में दिया जाएगा बायबैक प्रोग्राम के तहत, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, सारी जानकारी देने वाला हूँ। बाकी नॉर्मली जो है बात हुई है सारी कि जो भी न्यूज़ लेटर में डिटेल्स थी कंपनी के बारे में वो सब उन्होंने बताया है। उन्होंने यही बताया कि जो विड्रॉल है अभी आप UAGT में ले पाएंगे और काफ़ी कुछ न्यूज़ लेटर में जो भी डिटेल्स थी जैसे पहले थी वही सारी बातें उन्होंने यहाँ पर विस्तृत रूप से बताई है। उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी देखकर इंटरेस्ट हुए साथ में आने के लिए, साथ में काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली अब कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा मेरा खुद का कह लीजिए, आप सबका, सभी लोग कहते हैं ईहा कब से शुरू होगा, ईहा की डिटेल लोग जानना सुनना चाहते हैं क्योंकि जाला लाइफ स्टाइल अपनी जगह पर परफेक्ट है, लेकिन ईहा की भी काफ़ी लोगों को इंतजार है कि ईहा कब से स्टार्ट होगा। अब एलेक्स सर ने तो बताया कि यहाँ पर नए नाम के साथ और नई जो भी जानकारी होगी अपना नई डिटेल के साथ, नई वेबसाइट के साथ, नए नाम के साथ ईहा आ सकता है दोबारा से बढ़िया तरीके से, लेकिन बाकी और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर सुनने को नहीं मिली, तो वेट करेंगे ईहा के लिए फिलहाल फिर से। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अलावा जो हमने न्यूज़ लेटर बताया था वही सारी चीज़ें जो है एलेक्स सर ने बताया। और यहाँ पर पॉइंट 2.0 का जो है बायबैक न्यू एरा पैकेजेस बायबैक प्रोग्राम, इसके तहत काफ़ी लोगों के अमाउंट बने, काफ़ी लोगों का कमीशन बना है, MLB कमीशन बना है, जो कि काफ़ी लोग जो है बड़े बड़े जो लीडर हैं जिनकी जिन्होंने अपना MLB पैक के ऊपर काम किया है उन लोगों के काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट इकट्ठे हुए हैं जो कि उनको USDTRX में उनको विड्रॉल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज की। बाकी जो आप लोगों के मन में अभी सवाल है कि यहाँ के और क्या अपडेशन है, तो अपडेशन वही है कि जैसे नई वेबसाइट और नए नाम के साथ आ सकता है दोबारा से, और बाकी क्या क्या नई चीज़ें हैं वो आने वाले समय में पता चलेगी। अब एक क्वेश्चन और उठता है दोस्तों, देखिए कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कंपनी ने जैसे बोला हम सिर्फ उसी को पॉजिटिवली रखेंगे। पहले एलेक्स सर ने लास्ट मीटिंग में बताया गया था कि मलेशिया से शुरुआत होगी, मलेशिया मतलब अपनी ईहा की शुरुआत मलेशिया से होगी और इवेंट वगैरह जो है उनके बारे में उन्होंने बात कही थी। इस विषय में फिलहाल कोई अभी चर्चा आज की मीटिंग में नहीं हुई है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसके विषय में, क्योंकि आज का जो एलेक्स सर का सामने आने का रीज़न था वो ये था कि जो न्यूज़ लेटर था उसके कारण वो
अपना आए इस मीटिंग के माध्यम से। और जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि मीटिंग अब महीने में 2 बार होगी, लेकिन अब उन्होंने न्यूज़ लेटर का अनाउंसमेंट किया है कि 4 हफ्ते यानी महीने में 4 बार यानी हर मंडे को न्यूज़ लेटर आएगा। अब हम वेट कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। और भी कुछ अपडेट्स होंगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मीटिंग में जितनी देर थोड़ा सा टाइम मुझे मिला, मैं वहाँ पर सुन के जितना समझ पाया उतना मैंने आपको रियल फैक्ट जो है वो बताया। इसके बाद जो भी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे अपलाइन सीनियर से तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने वाला हूँ।